नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायनेमिक न्यूज पर और मैं हूं आपका दोस्त इरशाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में टिकटॉक को किया गया बैन, क्या यह सच है या फिर अफवाहें हैं चल रही हैं। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं कि या क्या जो अफवाहें चल रही हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत है। तो दोस्तों टिकटॉक को बैन करने की बात कहां से शुरू हुई इस पे हम बात करें। दरअसल यह बात शुरू हुई तब जब आमिर सिद्दीकी ने यूट्यूबर के लिए कमेंट किया और उसके बाद रिप्लाई में जब कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाकर इसका जवाब दिया तब से यह बात शुरू हुई। इस कॉन्ट्रोवर्सी को शांत करने के लिए जब यूट्यूब ने कैरी मिनाटी की वीडियो को डिलीट कर दिया और इस पर कैरी मिनाटी के जितने भी जो फैंस थे वो सभी नाराज़ हो गए और उन्होंने यूट्यूब से अपील की कि इस वीडियो को दोबारा रिस्टोर किया जाए। बहरहाल वीडियो जो है रिस्टोर भी कर ली गई है और तकरीबन मैं आपको बता देता हूँ जो कैरी मिनाटी है उसके तकरीबन 10 मिलियन फैंस ने अपने मोबाइल से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया और साथ में प्ले स्टोर पर जाकर इसकी रेटिंग को भी गिराना शुरू कर दिया। आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि 15 मई के बाद से प्ले स्टोर पर टिकटॉक की जो रेटिंग है वो पहले 4.6 थी और उसके बाद से इसकी रेटिंग जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेटिंग है, रिसेंट रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो तकरीबन 1.3 है और मुझे लगता है कि इसकी रेटिंग जो है वो इससे भी ज़्यादा गिरने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं टेक्निकल गुरुजी चैनल को। जी हाँ, टेक्निकल गुरुजी चैनल जो हमेशा हमें न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहते हैं, उन्होंने भी अपने एक वीडियो के अंदर तकरीबन 20 से 25 मोबाइल्स के अंदर से टिकटॉक को रिमूव करते हुए दिखाया है, रिमूव करने की वीडियो बनाई। दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर ही जो टिकटॉक यूज़र्स हैं वो तकरीबन 119 मिलियंस हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर 37.7 मिलियन फॉलोअर जो हैं टिकटॉक के यूज़र्स हैं। दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कैरी मिनाटी के तकरीबन इस कॉन्ट्रोवर्सी से पहले 11 मिलियन फॉलोवर थे और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सिर्फ 3 ही दिन में इसके जो फॉलोवर हैं वो 16 मिलियन जो है सब्सक्राइबर जो उसको क्रॉस कर चुके थे। और जितने भी फॉलोवर हैं और टेक्निकल गुरुजी के जो भी सपोर्टर हैं उन्होंने भी टिकटॉक को इंडिया में बैन करने के लिए कहा है और अपील की है कि टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जाए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में टिकटॉक को बैन किया जाए? आपकी जो भी राय हो, जैसा भी आपके विचार हो, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस प्रकार की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।